तो यार देखो, लास्ट वीक डिज्नी का इन्वेस्टर्स डे हुआ था एंड उसमें डिज्नी ने भाई इतना कुछ रिवील किया कि मैं क्या बोलूं। तो वहां जितने भी मार्वल से रिलेटेड अपडेट्स आए थे वो सब मैं आज कवर कर दूंगा पूरे डिटेल्स के साथ। हाँ, मुझे पता है कि मंडे को सिर्फ नडी न्यूज आती है, बट मैंने बस टाइटल में नहीं लिखा है, इसे आप नडी न्यूज ही मानो क्योंकि इसमें सिर्फ अपडेट्स ही होने वाले हैं। तो कुछ मंथ पहले ऐसा ही डीसी फैंडम भी हुआ था एंड उसमें डीसी के मूवीज के बहुत सारे अपडेट्स आए थे एंड उसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। ये वीडियो भी वैसा ही कुछ होने वाला है। सबसे पहला अपडेट दिया गया वांडा विजन से, जो कि एमसीयू की डिज्नी प्लस शो का पहला सीरीज होने वाला है। इसका रिलीज डेट January 15, 2021 होगा और इंडिया में आप इसे हॉटस्टार प्रीमियम पे देख पाओगे। देन इसका एक नया ट्रेलर भी इस इवेंट पे रिलीज किया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी में वांडा विजन तो दिखेंगे ही, साथ में मोनिका रैम्बियो का कैरेक्टर भी होगा जो कि कैप्टन मार्वल की मूवी में बच्ची थी। ये सीरीज डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट से कनेक्टेड होगी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का जिक्र आया है तो उसकी मूवी की भी बात हो जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की शूटिंग अभी चल रही है एंड एलिजाबेथ ऑल्सन भी इस मूवी में दिखने वाली हैं। उनके साथ ऑब्वियसली बेनेडिक्ट कम्बरबैच होंगे एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत से कास्ट रिटर्न भी करेंगे। एक नई कैरेक्टर अमेरिकन शेवेस भी इस मूवी में होगी, जिसको सोची गोमेज प्ले कर रही हैं। इसका रिलीज डेट अभी के लिए March 25th, 2022 रखा गया है एंड इस मूवी को सैम रैमी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ओरिजिनल स्पाइडरमैन की मूवी डायरेक्ट की थी। और इसमें अमेजिंग ये भी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ये मूवी सिर्फ वांडा विजन से नहीं बल्कि अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी से भी कनेक्टेड होगी, जो कि दिसंबर 2021 में रिलीज किया जाएगा। एमसीयू की स्पाइडरमैन 3 में टॉम हॉलैंड, जेंडेया ये सब तो दिख ही रहे हैं। इसी के साथ जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो और अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस का रिटर्न भी कंफर्म हो चुका है और ऊपर से इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखेंगे ही। फिर कुछ रूमर्स भी आए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग टोबे मैग्वायर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी इसमें दिख सकते हैं। और तो और ये भी हो सकता है कि चार्ली कॉक्स का डेयर डेविल भी यहाँ एमसीयू में एंट्री करे, बट अभी से कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज आर र्यूमर्स। अब अगर वापस से डिज्नी प्लस के शोज पे आए तो वांडा विजन के बाद नेक्स्ट मार्च 2021 में रिलीज होगा द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इस सीरीज के 6 एपिसोड्स होंगे और अभी के लिए इसका एक फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज किया गया। वैसे डिज्नी प्लस के जितने भी एमसीयू शोज हैं अभी के लिए तो बस ये हॉटस्टार प्रीमियम पे ही अवेलेबल होंगे। देन इसके बाद छोटा सा अपडेट ब्लैक विडो को लेकर भी दिया गया, जो कि ऑलरेडी लगभग एक साल डिले हो चुकी है एंड इसको रिलीज May 7, 2021 में किया जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ये एक वीक पहले ही रिलीज हो जाए। नेक्स्ट आते हैं लोकी के डिज्नी प्लस शो पे। केविन फैगी ने इस शो के ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दिए, बस कास्ट को रिवील किया और बताया कि ये एक क्राइम थ्रिलर शो होगा और ये डिज्नी प्लस पे May 2021 को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी तो ये भी रिवील नहीं किया गया है कि कॉमिक से कौन कौन से कैरेक्टर इसमें दिखने वाले हैं, बट फर्स्ट लुक ट्रेलर जरूर रिलीज कर दिया गया। देन एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ का भी फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज हुआ एंड ये भी डायरेक्ट डिज्नी प्लस पे ही आएगा। ये शो एमसीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं होगा, बट इसमें एमसीयू की ही स्टोरी अलग अलग तरह से दिखाए जाएंगे, जैसे कि व्हाट इफ पेगी कार्टर बिकेम द कैप्टन अमेरिका एंड ऐसी ही और भी स्टोरीज को एक्सप्लोर किया जाएगा। जो अभी फर्स्ट ट्रेलर रिलीज किया गया है उससे तो ये पता चला कि इसमें ऐसे 6 अल्टरनेट स्टोरी लाइन्स रहेंगे जिसे कि एक वॉचर नैरेट करेगा। फिर आगे आते हैं शैंगची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स पे। तो केविन फैगी ने बताया कि इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है। इसकी कास्टिंग को भी रिवील कर दिया गया और इसका अभी के लिए रिलीज डेट July 9, 2021 है। नेक्स्ट बात हुई मिस मार्वल के डिज्नी प्लस शो पे, जहां पता चला कि इस शो के लिए ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे लॉकडाउन के टाइम पे और यहीं से मिस मार्वल का लीड रोल करने के लिए इमान वेलानी को सेलेक्ट किया गया था। ये शो late 2021 में रिलीज होगा। इसके डायरेक्टर को भी अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है एंड इस शो का एक स्नीक पीक भी रिलीज किया गया। और हाँ, जो मिस मार्वल की कैरेक्टर इस शो में होगी वो कैप्टन मार्वल से इंस्पायर्ड होगी और यहीं पे एंट्री होती है कैप्टन मार्वल 2 की। तो अभी कैप्टन मार्वल डेवलपमेंट में है एंड निया डिकोस्टा इसको डायरेक्ट कर रही हैं एंड ऑब्वियसली इसमें ब्री लार्सन तो होंगी ही, लेकिन उनके साथ इमान वेलेनी की मिस मार्वल भी इस मूवी में दिखने वाली हैं। देन मोनिका रैम्बियो भी कैप्टन मार्वल 2 में रिटर्न करेंगी, जिसको कि हमने कैप्टन मार्वल में भी देखा था एंड अभी डिज्नी प्लस के वांडा विजन शो में भी हम देखने वाले हैं। अब आते हैं इटर्नल्स पे। इसका रिलीज डेट November 5, 2021 होगा एंड इसके टाइमलाइन के बारे में भी रिवील किया गया कि इसकी स्टोरी थाउजेंड ऑफ इयर्स को कवर करेगी। देन ये भी बताया गया कि ये एमसीयू का अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है, जो कि हमें अभी तक नहीं देखने को मिला है और ना ही अभी तक हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। फिर आता है डिज्नी प्लस का हॉकआई, जो कि late 2021 में रिलीज किया जाएगा। वैसे इसकी शूटिंग अभी चली रही है और मैंने इसके कई सारे सेट के फोटोज एंड अपडेट्स भी पहले दे दिए हैं, बट अब केविन फैगी ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हेली स्टाइनफील्ड इसमें केट बिशॉप का रोल कर रही हैं, तो फिर से बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद कुछ और कास्टिंग रिवील किया गया, जिसमें कैजी क्लॉन है, माया लोपेज है और रीस थॉमस एंड बट एंड बटी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं।
लेकिन नेक्स्ट डिज्नी प्लस शो शी हल्क से कुछ मेजर अपडेट्स रहे। पहले तो इस शो के डायरेक्टर को रिवील किया गया जो कि कैट क्विरो एंड अनु वालिया हैं। केविन फैगी ने ये भी कंफर्म किया कि ये मोस्टली एक कॉमेडी सीरीज होगी एंड इसमें लीड रोल में टैटियाना मैस्लेनी होंगी। लेकिन इसमें मेजर ये रहा कि इसमें एक्टर टिम रॉथ रिटर्न कर रहे हैं, जिसे कि हमने 2008 के हल्क में अबोमिनेशन के रोल में देखा था। और भाई यही नहीं, मार्क रफेलो का हल्क भी इस शो में दिखने वाला है, तो हाँ ये एक मेजर सीरीज होने वाली है। देन केविन फैगी ने ये भी हिंट दिया कि सिंस शी हल्क प्रोफेशनली एक लॉयर है एंड स्पेशली सुपर हीरो के केसेस को हैंडल करती है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन से सुपर हीरो शो में दिख जाएं। इसके बाद मून नाइट के बारे में भी रिवील किया गया कि ये भी एक डिज्नी प्लस सीरीज होने वाली है एंड इसकी स्टोरी इंडियाना जोन्स टाइप एडवेंचरस होगी। इस शो को डायरेक्ट मोहम्मद डियाब कर रहे हैं एंड मून नाइट का कैरेक्टर जो रहेगा उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होगा, अपरिचित टाइप, एंड उसकी हर एक आइडेंटिटी हमें एक डिफरेंट फीलिंग देगी। इसकी स्टोरी लाइन भी इजिप्शियन स्टाइल में होगी। वैसे मून नाइट के लीड रोल में हमें कौन दिखने वाला है ये तो केविन फैगी ने नहीं बताया, लेकिन ये पहले ही रिवील हो चुका है कि एक्टर ऑस्कर आइजैक मून नाइट का रोल प्ले करने वाले हैं। देन केविन फैगी ने कुछ नए शोज का भी अनाउंसमेंट किया है, जिसमें सबसे पहले था सीक्रेट इन्वेजन जो कि डिज्नी प्लस पे एज अ सीरीज रिलीज होगी एंड मे बी फ्यूचर में इसको एक मूवी में कन्वर्ट किया जाएगा। सैमुअल जैक्सन का निक फ्यूरी एंड बेन मेंडेलसन का टैलोस इसमें रिटर्न करेंगे। लास्ट टाइम हमने निक फ्यूरी को एंड गेम में देखा था एंड टैलोस को कैप्टन मार्वल में। इसकी स्टोरी भी कॉमिक से सिमिलर रहेगी, जहां कुछ एविल स्क्रल्स अर्थ के मेजर एंड पावरफुल पोजीशन को कैप्चर कर लेंगे, वो भी अपना भेस बदल के। कॉमिक्स में ये इवेंट सिविल वॉर से भी बड़ा था, होप सो कि डिज्नी प्लस के शो में भी ऐसा ही कुछ हो एंड फ्यूचर की मूवीज में इसे और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। नेक्स्ट शो रहेगा आयरन हार्ट, जिसमें कि हमें आयरन मैन की तरह आर्मर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ मेजर ये रहा कि इसके लीड रोल को रिवील कर दिया गया है। एक्ट्रेस डोमिनिक थॉर्न इस शो में रिरी विलियम्स एके आयरन हार्ट का रोल प्ले करने वाली हैं। देन एक और डिज्नी प्लस शो आर्मर वॉर्स को भी रिवील किया गया। शो में डॉन शीडल वॉर मशीन के रोल में रिटर्न करेंगे एंड इसकी स्टोरी टोनी स्टार्क के बनाए हुए टेक के अराउंड रिवॉल्व करेगी। इसमें एक्सप्लोर किया जाएगा कि क्या होगा अगर टोनी का बनाया टेक गलती से गलत हाथों में चला जाए। फिर एक हॉलीडे स्पेशल के बारे में भी रिवील किया गया, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल डायरेक्ट डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। अब यहां कंफ्यूज मत होना, ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 नहीं है, बल्कि इसको उससे पहले रिलीज किया जाएगा। इसे आप एक कनेक्टेड शॉर्ट फिल्म की तरह कह सकते हो। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023 में रिलीज किया जा रहा, तो सिंस ये हॉलीडे स्पेशल है तो इसे उसके रिलीज के पहले वाले क्रिसमस पे रिलीज कर दिया जाएगा। और हाँ, हॉलीडे स्पेशल को भी जेम्स गन खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और डिज्नी प्लस का शो है जो कि डायरेक्टली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से कनेक्टेड है, आई एम ग्रूट, और इसको भी डिज्नी प्लस पे रिलीज किया जा रहा है। एंड हाँ, इस शो में बेबी ग्रूट दिखेगा एंड उसके जैसे और भी कई अनयूजुअल कैरेक्टर्स, जिनको कि हमने अभी तक एमसीयू में नहीं देखा है। मुझे तो लग रहा है यार कि इसमें हॉवर्ड द डक भी दिख सकता है। देन कुछ अपकमिंग मूवीज के भी अपडेट मिले हैं, जहां सबसे पहले तो थॉर लव एंड थंडर है, जिसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी एंड इसमें ऑब्वियसली थॉर मूवी के ओरिजिनल कास्ट रिटर्न कर रहे हैं एंड उनके साथ एज अ मेन विलन क्रिश्चियन बेल रहेंगे। क्रिश्चियन बेल कॉमिक से गॉर द गॉड बुचर का रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे मैंने गॉर द गॉड बुचर का ओरिजिन पहले ही बना दिया है, तो उसके बारे में यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप चाहो तो आई बटन पे वीडियो देख लेना। थॉर लव एंड थंडर मई 6 2022 को रिलीज किया जाएगा। फिर ब्लेड की मूवी भी एमसीयू में डेवलपमेंट में है, जिसमें लीड रोल में हमें महर्षाला अली दिखेंगे। इसके और अपडेट हमें फ्यूचर में दिए जाएंगे। अभी के लिए इसके स्टोरी लाइन पे काम चल रहा है और उसके बाद इसकी स्क्रिप्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट है एंटमैन 3, जिसका टाइटल रिवील किया गया, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया। इसको भी पिछले पार्ट्स की तरह पीटन रीड ही डायरेक्ट करेंगे एंड एंटमैन के सारे ओरिजिनल कास्ट इसमें रिटर्न करेंगे। एडिशनली कैसी लैंग की कैरेक्टर भी इसमें दिखेगी, जिसका रोल कैथरीन न्यूटन कर रही हैं। कैसी लैंग को हमने लास्ट टाइम एंड गेम में देखा था, बट यहाँ इस कैरेक्टर को रीकास्ट किया जा चुका है। एंड इस मूवी से सबसे मेजर ये रहा कि इस मूवी का मेन विलन कैंग द कंकरर रहेगा, जिसे कि जोनाथन मेजर्स प्ले करेंगे। देन ब्लैक पैंथर 2 के भी कुछ अपडेट्स मिले। सबसे पहले तो केविन फैगी ने ये कंफर्म कर दिया कि चैडविक बोसमैन के कैरेक्टर टिचाला को रिकास्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ वो अभी भी वकांडा को एक्सप्लोर करेंगे ब्लैक पैंथर 2 में, जहां ओरिजिनल मूवी से सारे कास्ट रिटर्न कर रहे हैं एंड रायन कुगलर मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं। अभी के लिए इसका रिलीज डेट जुलाई 8, 2022 रखा गया है। एंड सबसे फाइनल अपडेट रहा कि एमसीयू में फैंटास्टिक फोर की एंट्री होने वाली है। ये केविन फैगी ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया। ये एक प्रॉपर लाइव एक्शन मूवी होगी एंड इसे डायरेक्टर स्पाइडरमैन के डायरेक्टर जॉन वॉट्स करेंगे। केविन फैगी ने जाते आते ये भी कंफर्म कर दिया कि एमसीयू का फ्यूचर और स्टोरी के एक्सपेंशन का की डिज्नी प्लस ही होगा, जहां उन्हें मौका मिलेगा कई ऐसे स्टोरीज को एक्सप्लोर करने का जो कि वो मूवी के फॉर्मेट में नहीं कर सकते थे। तो हाँ यार, ये था सब कुछ जो कि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से केविन फैगी ने ऑफिशियली रिवील किया। मुझे पता है कि एक दिन के लिए इतने सारे अपडेट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन भाई मार्वल वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं। रही बात ट्रेलर ब्रेकडाउन की, तो यार मैं अभी ये पूरा वीक कुछ पर्सनल इशू के चलते ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए ट्रेलर ब्रेकडाउन अभी तो पॉसिबल नहीं है।
तब तक आप लोग कमेंट करो कि किन किन मूवीज के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, एंड अपडेट्स पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना। क्रिश्चियन बेल के कैरेक्टर गौर द गॉड बुचर का ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड डीसी के अपकमिंग मूवी के अपडेट्स जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।